की एक निशानी यह भी है कि अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे और फजूल किस्म के लोग बाकी बचेंगे। बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी फरमाते हैं यज़हबुस सालिहून, अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे, अल अव्वल फल अव्वल, एक एक करके अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे, व तबका हुफालतुन कहुफालति शईरी अव तमरी, और जैसे जौ जौ का छिलका बचता है और खजूर का कचरा बचता है, कचरा और कूड़ा टाइप के लोग दुनिया में बचेंगे। और जब ऐसे लोग दुनिया में बचेंगे ला युबाली हुमुल्लाहु बालतन, अल्लाह ऐसे लोगों की परवाह नहीं करेगा। आज कहने को हम स्टैंडर्ड हो गए, हमारे कपड़े आलीशान हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, मगर भाई हम कूड़ा बन गए, हम करकट बन गए अल्लाह की नजर में। भाई हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं, हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं, हमारी औरतें बेहया हैं, हम तो कूड़ा बन गए ना, हम तो करकट बन गए। और अल्लाह के यहां हमारे कपड़े नहीं देखे जाएंगे, हमारे चेहरे की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहां हमारे दिल का तक्वा देखा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम मिन मदफूइन बिलअबवाबी अशासा अकबरा, कितने ऐसे लोग होते हैं उनके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले होते हैं, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, और उनकी शक्ल ऐसी होती है कि वो लोगों के दरवाजे पे अगर चले जाएं तो लोग धक्के दे के उनको भगा देंगे, मगर वो दिल के एतबार से, वो अमल के एतबार से, वो ईमान के एतबार से इतने मजबूत होते हैं, लो अक्समा अल्लाह ला अबर रहू, अगर वो अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह की कसम खा करके कोई बात कह दे तो अल्लाह उनकी बात को कभी बेकार नहीं होने देता है, अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमाता है, वो इतने अल्लाह के मुकर्रब होते हैं और अल्लाह ताला उनको इतनी अहमियत देता है। तो मेरे भाई दुनिया की नजर में हमने अहमियत कमा ली, नाम बना लिया, तो क्या बना लिया, असल तो ये है कि अल्लाह के यहां हमारी अहमियत हो, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में हमें शामिल करे। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में कब शामिल करेगा, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जब हमारे दिलों में अल्लाह का तक्वा पैदा होगा।